बसंत के उपलक्ष्य में सीताराम जाजू कॉलेज में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में सोमवार को व्यंजन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कई बालिकाओं ने भाग लिया और कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए। साथ ही आकर्षण मेहंदी बालिकाओं द्वारा बनाई गई जाजू कॉलेज के प्राचार्य एनके डक्करा ने जानकारी देते हुए बताया कि जाजू कॉलेज में शैक्षणिक के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण रहता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बसंत के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, साथ ही बालिकाओं को अपनी प्रतिभाएं निखारने का अवसर दिए जाते हैं। आगामी 16 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई बालिकाएं हिस्सा लेगी और 17 तारीख को निर्मला देवी खंडेलवाल की स्मृति में महाविद्यालय में साल भर में आयोजित सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। देखिए, जाजू कन्या महाविद्यालय में न केवल शैक्षणिक वातावरण है बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण भी रहता है, और इसी के अंतर्गत हम प्रतिवर्ष यहाँ पर वसंतोत्सव मनाते हैं 3 दिवसीय। तो 3 दिवसीय वसंतोत्सव के आज प्रारंभ में हम पहले दिन यहाँ पर बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता है, साथ में मेहंदी और व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई है, ताकि बच्चों को जो है टैलेंट अपना दिखाने का अवसर मिले। तो उस हिसाब से आज यहाँ पे व्यंजन और मेहंदी प्रतियोगिता और साथ में खेलकूद प्रतियोगिताएँ होगी मनोरंजन के लिए बच्चों के, और 16 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चे अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ देंगे, और 17 तारीख को हम जो है पुरस्कार वितरण रखेंगे, जिसमें युवा उत्सव के पुरस्कार जो श्रीमती निर्मला देवी खंडेलवाल की स्मृति में दिए जाते हैं उनका भी वितरण होगा, और साथ ही साल भर जो गतिविधियाँ हमारे यहाँ होती हैं उसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तो 17 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा, जिसमें माननीय विधायक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में, नगर पालिका अध्यक्ष और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 फरवरी